उधर अमेरिका ने भी गाजा में हमले के बिना वापसी के संकेत से इनकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसके बाद अगला कदम टूनेशन थ्योरी को लागू करना होगा, यानी कि अब इसराइल की सेना किसी भी वक्त गाजा पर जमीनी हमला कर सकती है। और इसराइल के सैनिक पहले से ही गाजा बॉर्डर के करीब किलेबंदी कर चुके हैं और उन्होंने गाजा पर हमलों की तादाद और ज्यादा बढ़ा दी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास और इसराइल युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में हमास के खात्मे के बिना यथास्थिति पर लौटने का कोई रास्ता नहीं है, यानी इसराइल अब किसी भी समय हमास पर जमीनी हमला कर सकता है। इससे पहले अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक जनरल को भी गाजा पर जमीनी हमले की रणनीति बनाने के लिए इसराइल भेजा था, जिसका मतलब साफ है कि इस बार इसराइल हमास को किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। हमास की जारी जंग के बीच लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने इसराइल से लगने वाली लेबनान की सीमा का दौरा किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने भी अपने लड़ाकों को तैनात कर दिया था और इसराइल को उसकी उत्तरी सीमा से बड़े हमले की धमकी दी थी। यहां तक कि हिजबुल्ला ने इसराइल की सीमा में कई रॉकेट भी दाग दिए थे। हालांकि इसराइल की सेना ने भी अपनी सीमा पर पहरा बढ़ा दिया और हिजबुल्ला के हमलों का जवाब गोलीबारी करके दिया। इसराइल ने दावा किया कि उसकी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्ला के लड़ाके लगातार घुसपैठ करने की कोशिश में है, जबकि इसराइल से लगी सीमा पर पहुंचे लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने इसराइल पर हिजबुल्ला के लड़ाकों को खत्म करने के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। नजीब मिकाती ने सीमा पर तैनात संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों से मुलाकात की। 2 दिन पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लेबनान से लगने वाली सीमा का दौरा किया था और इसराइल के सैनिकों का हौसला बढ़ाया था।